नमस्कार दोस्तों, श्याम कला सेरिंग में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज पेपर लेकर आए हैं आपके सेकेंड ईयर वर्कशॉप क्वेश्चन साइंस का पेपर, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर वर्कशॉप क्वेश्चन साइंस का पेपर लेकर आओ, तो आज ये पेपर लेके आए। और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आप अन्य किसी ट्रेड से हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमारे पास हर ट्रेड के पेपर अवेलेबल है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हम इस ट्रेड से रिलेटेड है, तो हम उस ट्रेड के यानी हम इस चैनल के माध्यम से आईटी के सभी ट्रेडों के पेपर हल करवा सकते हैं। आपको मालूम लगभग 136 आईटीआई है, लेकिन जो मोस्ट आईटीआई है यानी लगभग 20 या 25 उन सभी ट्रेडों के हम पेपर हल कराते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई की पर्पल की अपडेट दी जाती है, साथ ही आईटीआई के सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया जाता है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। मेरी एक ही राय है, बस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और पूरे क्वेश्चन हम आपको हल करके फिर बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा और क्या लगा। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका सेकंड ईयर का है, भले ही आप किसी भी ट्रेड से हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लगभग 50 नंबर का पेपर है आपका। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सीजीएस सिस्टम में लेथ की यूनिट क्या होती है। अगर किसी भाई को हिंदी समझ नहीं आ रही है तो वो हमें ज़रूर बता दें, इंग्लिश का पेपर भी ऊपर वो भी हम आपको दिखा देंगे, साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ फाइल अवेलेबल कर देंगे। अगर आपको वहाँ से नहीं मिले तो आप हमें कमेंट में अपने मोबाइल नंबर दे देना, तो हम व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, सीजीएस सिस्टम में लेथ की इकाई, लेथ की यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों लेथ इसमें इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से क्या एक फेरस धातु है। तो बताओ दोस्तों इनमें से एक फेरस धातु कौन सा है, पिग आयरन। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं यहाँ पर और मैथ के भी आएंगे, तो ये आ गया आपका पिग आयरन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से क्या एक विद्युत का संचालन करती है, यानी इनमें से विद्युत का संचालन कौन करती है, यानी विद्युत द्वारा प्रवाहित किसमें से हो सकती है। तो वो आता आपका ग्रेफाइट यानी आपका अर्धचालक होता है, ठीक है दोस्तों। तो एक तरह का चालक ही होता है अर्धचालक, क्या पोर्सलिन रबड़ वुड, ये तो क्या आपके कुछ अचालक कुछ अर्धचालक है, ठीक है दोस्तों। वो ग्रेफाइट क्या है, चालक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 0.72 दशमलव संख्या को अंश फ्रेज में परिवर्तित कीजिए। तो दोस्तों देखो अभी मैं आपको यहाँ पर हल किया है वो पूरा बताएं, कितना नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन। हाँ दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन पूरा हम हल करेंगे, तो आपका देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है, हल किया हुआ यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वैसे हल कर देंगे यार इसको, एक बार देख लेते हैं दोस्तों मिलता है या नहीं मिलता है। तो वैसे देख लो एक बार दोस्तों, इसमें पूछ रहा है 0.72 दशमलव संख्या को अंश प्रेस में चेंज करो। तो दोस्तों आपका 0.72 है, तो ये बेहतर ये आ गया और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100, क्योंकि दो जीरो के बाद में है दोस्तों। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है आपका 18 5, हाँ दोस्तों 18 73 18 74 72 और 25 4 100, ठीक है दोस्तों। तो ये तो 25 से 4 बार कट रहा है और ये आपका 18 से 4 बार कट रहा है, सेम कट रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका 18/25। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोग्राम भार खालिस्तान के बराबर होता है। तो बताओ दोस्तों ये लगभग आपकी इकाई है जो आपके लगभग किताबें दे रखी है। तो 1 किलो भार में आपकी 9.81 न्यूटन होता है, क्या होता है, 9.81 न्यूटन। आगे चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो बताओ दोस्तों घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बीच में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर क्या होता है, तो वो यूनिट का अंतर होता है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4761 का वर्गमूल खालिस्तान के बराबर होता है। तो दोस्तों आप गुणांतर का वर्गमूल निकालोगे तो ये 4761 आएगा, भले ही आप गुणांतर को गुणांतर से मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपका ये आएगा 4761, ठीक है दोस्तों। तो यह करेक्ट आंसर आपका ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 20 का वर्ग क्या होता है, यानी कुल मिला के दोस्तों 20 का स्क्वायर कर दो, यानी 20 को 20 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 400। तो करेक्ट आंसर इसका बी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेग की दर में होने वाले बदलाव को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों बताओ वेग
की दर में होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक ढलाई का भार 2 किलोग्राम है और अन्य ढलाई का भार 200 ग्राम, तो दोनों बारों की तुलना कीजिए। तो दोस्तों इसमें दोनों बारों की तुलना करनी है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि लो एक बार इसको हली कर दे दोस्तों। आपका कितने नंबर क्वेश्चन दोस्तों? 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। तो दोस्तों देख लो, एक तो आपका 2 किलोग्राम, एक था 200 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या कर रहा था, दोनों का वेट कर रहा था। अब इसमें ओनली आपको अनुपात में दर्शाना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चल गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 दाएगा 10 और फिर नीचे गया 2 एकम 2, तो इसमें 10:1 कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका? तो दोस्तों ये आ गया आपका 10:1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपकी इंग्लिश भी क्लियर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को हिंदी में डाउट रहता है और पेपर होता है जहाँ तक, तो हिंदी में थोड़ा गलत हो सकता है लेकिन इंग्लिश एकदम सही होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 5 किलोग्राम के 200 ग्राम को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों क्या है 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम को किस में बदलना है? तो 5 किलो कितना हो गया दोस्तों? 5000 बटा ये कितना है? 225 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको किस में बदलना है? आपको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों? प्रतिशत में। तो दोस्तों इसको हल करते हैं, एक मिनट, सॉरी दोस्तों ऊपर रह गया 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ना, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हल करते हैं। तो हल करने पर देखते हैं दोस्तों क्या आता है, एक मिनट दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर आ गया दोस्तों। वैसे ही हल करते हैं इसको, एक बार थोड़ा आगे चले गए हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें क्या आपका 205 किलो में कितने हो गए? 5000 बटे ये कितने आ गए? 250, ठीक है दोस्तों। अब एक बार इन जीरो से इनको हटो, 25 दुना 50, ये 200 हो गए दोस्तों। अब 200 है, तो अब इस 200 को क्या करना है दोस्तों? इस 200 को एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, इनटू 100 से गुणा कर देते हैं इसको। तो एक मिनट को इन 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के एक मिनट दोस्तों, दोबारा ये आपको समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 5000 बटा 250 ग्राम को प्रतिशत में बदलना है। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई दोस्तों, इस 0 से ये कट गई, तो 25। तो बताओ दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहा है? 5%, समझ में आ गया दोस्तों। यानी 5000 है, अब इसका ये 250 ग्राम पूछे, इसको प्रतिशत में देंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 1, 2, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और 25, तो ये आ गया आपका 5%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी जूल, और वैसे पूछे कि आपका एनर्जी मीटर होता है, तो एनर्जी मीटर बोलते वो KWH होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, 3x² + 2y² में से 2x² - 3y² घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बार देखना 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हल किया हुआ दोस्तों, क्योंकि पेपर हमने हल करके लाए थे दोस्तों। तो दोस्तों एक मिनट ये रहा दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन, तो इसमें देखो ये था, अब इसमें से हमने इसको हल निकाला, तो आपको x² + 2x² + 5y² आया था, तो यहाँ पर 3x/5 या, तो इनको काटने में दोस्तों 3/8 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रॉन्ग था, जिसके आपको बोनस नंबर दिए गए थे इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर तो इसमें ये दे रखा है, तो आप दोस्तों एक बार अपने सर से ज़रूर पूछना इसका क्लियर आंसर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए समीकरण को हल करें। तो दोस्तों सॉरी, अभी हमने हल किया था, उसका आंसर याद है 13 नंबर, एक मिनट दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं हम, एक मिनट दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन हल किया अभी। तो दोस्तों देख लो इसका आंसर ये आएगा, एक बार आप मिलान कर लेना, तो इस प्रकार हल हो गया क्या, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये हल हो गया, साथ ही एक बार वापस स्क्रीनशॉट लेके आप हल कर सकते हो उसको। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन हल हो गया, अरे आप, हाँ सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों, और इसका आपका आंसर मिला नहीं था।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये दिए गए समीकरण को हल करें, तो दोस्तों ये हल कर लेना। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रॉन्ग है, देखो दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग दर्शा रखा है मैंने पहले ही। अगर आपसे आंसर आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो, जिनकी सबसे लंबी भुजा का माप 15 सेमी है। तो दोस्तों इसमें आपको त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करने पर आपको 36 सेमी प्राप्त होगी। तो आप हमें ज़रूर बताना, अगर इसमें अगर किसी में आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हम आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर बता देंगे, क्योंकि वीडियो में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है, लंबा वीडियो होने पर आपको थोड़ी परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेमी और जिसका क्षेत्रफल 120 सेमी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज का एक सूत्र लगाना और ज्ञात कर लेना, 12 सेमी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से क्या ऊर्जा का एक रूप है, तो इसमें ऊर्जा का रूप है ऊष्मा। क्यों दोस्तों, क्योंकि एच बराबर क्या होता है, I² RT, यानी ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग प्रतिरोध समय के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आपको ऊष्मा दे रखी, तो ऊष्मा इस प्रकार ये होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक इंडक्शन स्टोन में कौन सी ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है, तो वह विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ की अव्यक्त ऊष्मा कितनी होती है, तो दोस्तों बर्फ की अव्यक्त ऊष्मा होती है 80 कूलम प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोस का विपरीत क्या होता है, तो कोस का विपरीत हमेशा सेक होता है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण मशीन पर लगाया गया प्रयत्न 25 किलोग्राम है और मशीनी लाभ 6 है, तो इसका उत्पाद भार क्या होगा। तो दोस्तों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 25 × 150 किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 4 ओम 6 ओम 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम प्रतिरोध न्यूनतम होगा, यानी सबसे कम कितना है 4, तो इससे भी। तो दोस्तों ये तो हो गए, ये दो आंसर तो नहीं होंगे, अब बच रहे इन दोनों में, तो इनमें हल कर लो दोस्तों। 1/4 + 1/6 / 1/12, तो इसका लघुतम ले रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब दोस्तों 4 × 3 = 12 + 6 × 2 = 12 + लास्ट वाला कितना है 12, 12 × 12, तो 3 × 2 = 5 = 6। तो दोस्तों आप 12 बटा कितने आ रहे हैं 6, तो आप 1/8 आएगा इधर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 12 × 6 = 6 × 2 = 12, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 2। तो ऑप्शन देखो 2, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा 2 ओम। लगभग ये तो सभी को आता होगा मेरे हिसाब से, थ्योरी अगर आपकी अच्छी है तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत ऊर्जा P बराबर क्या होता है, तो लगभग सभी को मालूम P बराबर होता है V×I, तो ऑप्शन में VI दिखाई दे रहा है ये रहा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों B। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से क्या इंसुलेटर का एक उदाहरण है, तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा इंसुलेटर है। माइका यानी अभ्रक एक इंसुलेटर यानी अचालक पदार्थ है, ब्रोंज चालक, कॉपर चालक और लेड भी चालक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल को पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।